नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। 8 बजे की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। आज सावन के पावन महीने का दूसरा सोमवार है और सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भोले बाबा के जयकारों के साथ मंदिर गूंज रहे हैं और सुबह सवेरे ही भक्तों का जमावड़ा लग गया था मंदिरों में और भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और अपने इष्ट देवता की आराधना कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं, काशी की तस्वीरें हैं और भोले बाबा की नगरी में किस तरह की रौनक आज सुबह सवेरे देखी गई वो आप देख सकते हैं। जो वाद्य यंत्र भगवान शिव जी को प्रिय है उन्हें बजाया जा रहा है, भोले बाबा को प्रसन्न किया जा रहा है और भोले बाबा को मनाने का ये महीना है सावन का महीना। तो ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार पर ये तस्वीरें आप देखिए बेहद खास हो जाती हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं, काशी की, और सुबह सवेरे ही यहाँ पर भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। बम बम बोले के जयकारों के साथ मंदिर गूंजते हुए दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं ये तमाम लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर भोले बाबा के दरबार पर पहुंचे हैं। शिवालयों में किस तरह से भक्त पहुंचे हैं वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो भारी भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको न्यूज 18 दिखाएगा। अगर आप घर पर मौजूद हैं इस वक्त तो आज इसके जरिए ही आपको हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। और चलिए तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं गाजियाबाद से अमित राणा मौजूद रहेंगे, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी रहेंगे, मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले निखिल अग्रवाल का रुख करते हैं। निखिल, मेरठ के कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और कितनी भीड़ देख रहे हैं आप शिवालयों में? देखिए, सावन का पवित्र महीना है और हम इस समय भगवान औगणनाथ के मंदिर में मौजूद है। ये मेरठ का सबसे प्रमुख शिवालय है और इसका इतिहास क्रांति से जुड़ा हुआ है। मैं आपको लाइनें दिखाना चाहूंगा। भगवान भोलेनाथ के दर्शन हम अपने दर्शकों को साफ दिखा सकते हैं यहाँ से और लाइनें भी दिखा सकते हैं भक्तों की कि यहाँ पर भक्तों की भारी लाइन लगी है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक भक्तों की लाइनें लगी हैं और हर किसी के मन में श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है और हर कोई हाथ में जल का लोटा लिए हुए, पुष्प लिए हुए, भांग धतूरा और तमाम वो बेलपत्र लिए हुए जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं वो सब लेकर आए हैं ताकि भगवान भोलेनाथ उन पर कृपा करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनकी आस्था का ध्यान रखते हुए उन पर आशीर्वाद की कृपा करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में आता है उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। कुछ भक्तों से भी बात कर लेते हैं। ये बताएं किस तरीके से पूजा अर्चना करती है, कहाँ से आई हैं? हम मेरठ से ही आए हैं और जैसे कि हम सुबह सुबह यहाँ पे आए हैं, काफी भीड़ है और हमने प्रसाद वगैरह लिया है, मंदिर जा रहे हैं, जल अभिषेक करेंगे, उसके बाद में हम पूजा करेंगे भोलेनाथ की। आज सावन का दूसरा सोमवार है, कैसे भगवान भोलेनाथ को मनाएंगे आप? यहाँ पे अभी जैसे कि सुबह सुबह उठ के आए हैं, प्रसाद लेके आए हैं, अब पूजा करेंगे। इसमें सारा प्रसाद है, जैसे कि ये धतूरा है, बेल पत्थर है, ये सारी चीजें हैं। तो देखिए हर वो सामान लेकर आई हैं जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर जो पूजा की थाली है उसमें फल फूल जो और दूसरे सामान है जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। मैम ये बताएं कि किस तरीके से पूजा अर्चना करें, क्या मांगते हैं भगवान से? भगवान का देवा सब कुछ है, बस पूजा कर रहे हैं, मांगने की जरूरत नहीं, मिल जाता है। लोगों के मन में आस्था है, विश्वास है और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा करते हैं ताकि उनके जो भक्त है वो हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे और उनकी आराधना करते रहे। आप देख सकते हैं शिवालय में भारी लाइन लगी है। मेरठ का सबसे प्रमुख शिवालय है भगवान औगणनाथ का, ये मंदिर है। मेरठ में क्रांति का इतिहास भी इसी मंदिर से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है जो भी इस मंदिर में आता है उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ संपूर्ण करते हैं। और जिस तरीके से अब सावन का सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है, भक्तों की भारी लाइन यहाँ पर लगी है और ये जो उत्साह है वो देखते ही बनता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर कृपा करें। हम अपने दर्शकों को सीधे दर्शन करा रहे हैं, जो आज मंदिर नहीं आ पाए वो भी दर्शन करें और न्यूज 18 के जरिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि उन पर भी कृपा बनी रहे। बिल्कुल, भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं, मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सुबह सवेरे से ही हम देख रहे हैं मंदिरों में भारी भीड़ है। और चलिए अब रुख करते हैं अमित राणा का, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, गाजियाबाद में कैसी रौनक है आज के दिन?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा आज है सावन का दूसरा सोमवार और भक्तों की लगी है लंबी लंबी कतारें। फिलहाल की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, प्राचीन बृहन्नाथ मठ मंदिर की तस्वीरें हैं और अल सुबह से ही यहां पर भक्तों का आना जाना शुरू हो गया था। भगवान भोलेनाथ पूजा अर्चना के लिए भक्त यहां पर आए हुए हैं। कुछ भक्तों से जाने पर बात कर लेते हैं, किस तरीके से भोले देव को प्रसन्न करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। मैं देखा वहाँ लेकर आज मन के लिए जल लेकर आई हूँ और ये माँ के फूल है, पत्तियां हैं और उन्हें चढ़ाऊंगी और उन्हें ठीक है। अमित, आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसे दुरुस्त कीजिए। तब तक के लिए हम काशी का रुख करते हैं, भोले बाबा की नगरी। उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उपेंद्र, भोले बाबा की नगरी में कैसी है आज के दिन रौनक? बेहद खास हो जाता है और आप बातचीत भी कीजिएगा लोगों से अगर हो सके। देखिए, कहते भी है कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तिहारी। जिस विश्वनाथ की महिमा तीनों लोकों में हो उसकी कहना ही क्या, और सावन के दूसरे सोमवार में बाबा के दर्शन मिल जाए तो कहा जाता है कि भाग्य खुल जाते हैं। और इसीलिए बाबा के दरबार में हाजरी का जल चढ़ाने के लिए पूरे देश से यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुँचे हैं। हम बात भी करते हैं कि कितनी महिमा है बाबा के दर्शन की, कितना सौभाग्य समझते हैं कि जब सावन के दूसरे दिन थे। देखिए कैसे पूरा घर से निकले हैं बाबा के लिए पूरी हाजरी। कहाँ से हो, क्या है? हम ग्वालियर से हैं। हाँ, हो गए, बहुत बढ़िया। बम बम बोले, आनंद आ गया। हर हर महादेव। हम लोग बहुत अच्छे से बीता हम लोग का, अब बहुत शिवभक्त है वो आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम नेपाल से। नेपाल से दर्शन हो गए बाबा? नहीं, अभी नहीं हुआ, थोड़ा देर में जाएंगे। तो आप बिहार से? बिहार से दर्शन बाबा के हो गए? जी हो गया। एकदम बढ़िया झूम रहा है, योगी में हो गया है, मोदी में हो गया, एकदम चमक रहा है, बना रहा है। नमो पार्वती पते हर हर बच्चा है। देखिए कितना छोटा बच्चा है, वो भी आया है। आस्था के सैलाब इस वक्त काशी में है और जिस तरीके से भीड़ है, जो सैलाब है, उसको देख के लग रहा है कि पिछले सोमवार के मुकाबले इस बार दूसरे सोमवार को भीड़ ज्यादा पहुंची है। हालांकि जो आंकड़े हैं वो शाम को आएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि करीब 6 से 7 लाख, और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद रखी गई है। यहाँ पर सुरक्षा के लिए भी जो सभी बड़े अफसर बिल्कुल उपेंद्र आप बातचीत करते रहिए। और भोले बाबा के भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, जो की तस्वीरों के जरिए हमने देखा, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। अब पुलकित शुक्ला का रुख करते हैं, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, सोमवती अमावस्या का स्नान भी है आज और सावन का दूसरा सोमवार भी, बेहद खास आज का दिन। गंगा स्नान के लिए भी लोग पहुंच रहे होंगे वहां पर, दिखाइए तस्वीर। जो बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में आज सोमवती अमावस्या का स्नान है और बड़ा ये स्नान इसको माना जाता है। इस स्नान के लिए जो है प्रशासन की ओर से जो है इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर 16 तारीख में जो है यहाँ पर कांवड़ मेला जो है समाप्त हुआ है और लंबे समय से जो है यहाँ पर 4 तारीख से कांवड़ मेला चल रहा था, जिसमें जो है लगभग 4 करोड़ के लगभग श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचे थे और यहाँ से कांवड़ भरकर जल भरकर जो है वापस लौटे हैं। तो पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम यहाँ पर कांवड़ मेले के लिए किए गए थे, उन्हीं इंतजामों को जो है आगे बढ़ाया गया है और सोमवती अमावस्या स्नान के लिए भी उनको जो व्यवस्था है वो लगाई गई है। सोमवती अमावस्या का स्नान भी चल रहा है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा, क्योंकि सावन महीने का आज सोमवार भी है और सावन महीने के सोमवार पर शिवालयों में जो है भक्तों की भीड़ उमड़ती है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं और दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। 4 बजे से यहाँ पर लाइनें लग रही हैं और लाइनें जो है जैसे जैसे दिन चल रहा है ये लाइन जो है और भी ज्यादा लंबी होती जा रही है। यहाँ देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर तैनात है और पुलिस को व्यवस्था बनाने के लिए भी यहाँ पर खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, और देख सकते हैं कि लाइनें यहाँ पर कितनी लंबी है। ये लाइन जो है वो आगे घूम के जो है इस जिगजैग में जाती है और जिगजैग के माध्यम से यहाँ पर देखा जाएगा कितने सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और काफी घंटों से यहाँ पर जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जिन लोगों की बारी आती है वो सीधा यहाँ से मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं और यहाँ पर जो
शिवलिंग है, क्योंकि यहाँ शिवलिंग भी एक विशेष प्रकार का शिवलिंग है, जिसे जो पाताल मुखी शिवलिंग उसको कहा जाता है। ये शिवलिंग जो है वो आसमान की ओर न उठा होकर पाताल की तरफ धसा हुआ है। उसके शिवलिंग के पीछे अपनी एक खास कहानी है, उसके पीछे खास धारणा है, क्योंकि ये जो भगवान शिव का जो मंदिर है दक्षेश्वर महादेव मंदिर को भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है, और उसके पीछे पूरी की पूरी एक कहानी है। क्यों इस मंदिर को ससुराल कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव की जो पहली पत्नी थी माता सती, तो माता सती के पिता जो थे राजा दक्ष थे, उन्हीं का ये स्थान था और वो इसी जगह पर हवन यज्ञ कर रहे थे। तो हवन यज्ञ जब वो कर रहे थे तो उसके बाद तो सती यहाँ पर माता सती यहाँ पर पहुंची, और उसके बाद जो मान्यता इसके पीछे है वो भी आपने बताई पुलकित। तो बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए थे। अमित आपका भी बहुत शुक्रिया, उपेंद्र द्विवेदी और निखिल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे।